साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं या हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से डी फार्मा करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि क्या बी फार्मा में इंटर्नशिप जरूरी है। साथियों अगर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो बी फार्मा के बाद पीसीआई लाइसेंस नहीं देगा, ये विद्यार्थी का इस तरह से क्वेश्चन है। बी फार्मा इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग कहाँ से करें, तो कहने का मतलब है तीन तरह के क्वेश्चन है कि एक तो जरूरी है कि नहीं, दूसरा अगर इसको नहीं करेंगे क्या पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, दूसरा कहाँ से करें। साथियों तीनों क्वेश्चन का आंसर हम विधिवत देंगे। साथियों हमसे जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ईजी स्टडी, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज भी है डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से। साथियों हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है पहले डी फार्मा की कंपलसरी थी, बी फार्मा की नहीं थी, लेकिन अभी जो है अकॉर्डिंग टू पीसीआई डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल पीसीआई जो हेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में, उन्होंने सभी जगह जो है लेटर जारी करके हर स्टेट में हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना अनिवार्य कर दिया है। बी फार्मा अगर आप कर रहे हैं तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ 30 डेज की ट्रेनिंग होती है, बहुत से इंस्टीट्यूट है वहाँ 45 डेज की होती है। कहने का मतलब है 150 घंटे हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों मोस्टली जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से बी फार्मा विद्यार्थी कर रहे होते हैं वो 45 दिन का ही लेटर जारी करते हैं। साथियों एक लेटर हमारे पास है भी, एक विद्यार्थी आए थे उनका लेटर है 45 डेज, ये देखिए साथियों लिखा है हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने का, उसमें कवरिंग लेटर पे दिया हुआ है। साथियों उसको करने के बाद ही अब जो रजिस्ट्रेशन होगा हॉस्पिटल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगेगा तभी होगा, बल्कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ डी फार्मा के लिए कंपलसरी था, बी फार्मा में नहीं था, लेकिन अभी बी फार्मा में भी कंपलसरी कर दिया गया है। साथियों ऑलरेडी मैंने जो है एक वीडियो बनाया है कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU जो है उसने जो है अभी लेटर जारी किया था कि फॉर हॉस्पिटल ट्रेनिंग बी फार्मा स्टूडेंट आल्सो कंपलसरी इन थर्ड ईयर, जो है तीसरे साल में ये जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। अभी क्या है कि सभी इंस्टीट्यूट जो है थर्ड ईयर में जो है बी फार्मा को लेटर जारी कर देते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, जिसमें एक इस तरह का जो है लेटर होता है, कवरिंग लेटर होता है, साथ में जो है जो डी फार्मा का लेटर होता है ठीक उसी तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 होता है। जब आप ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे तो सेक्शन 1 सिर्फ आपको भरना है, जहाँ पे विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिताजी का नाम और एड्रेस जो आपके आधार में होगा, और वहाँ पे प्रिंसिपल या जोडी सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, और उस दिन की जिस दिन इशू होगा उस दिन की डेट पड़ेगी, बाकी सभी आपको छोड़ देना है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो मास्टर है उसके द्वारा भरना है, लेकिन ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है कंपलसरी कर दी गई है, क्योंकि आप PCI में जब जाएंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा तभी जो है रजिस्ट्रेशन होगा, और वेरिफिकेशन के लिए इसकी एक प्रतिलिपि आपको कॉलेज में देनी होगी। PCI जब भी वेरीफाई करेगी हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपका जो है कॉलेज से प्राप्त करेगी, तभी करेगी। इसीलिए जो है 3 फॉर्म जो है इशू करती है जो है कॉलेज। एक फॉर्म क्या होता है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग जहां आप कर रहे होते हैं वहां पे वो रख लेते हैं, और 2 फॉर्म आपको कंप्लीट करके दे देते हैं, जिसमें से आपको जो है 5th कॉलम लास्ट कॉलम रिपीट वेरीफाई कराना होता है, जिस दिन आप जाएंगे उस दिन की डेट डाल के एक आप कॉलेज को सबमिट कर देंगे और एक आप PCI को जो है शो करेंगे। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन उसको PDF बना के अपलोड कर देंगे, उसके बाद कॉलेज से जो है PCI वेरीफाई करेगा, तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंपलसरी है। दूसरा है कि नहीं करोगे तो क्या लाइसेंस नहीं देगा PCI, ये बात सही है, आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा उसके बाद ही आपको जो है डिस्ट्रिक्ट DI के यहाँ से लाइसेंस इशू होगा, लेकिन उसके पहले आपको जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हर स्टेट में उसका ऑफिस बनी है वहाँ से आपको जो है बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एक आपको मिलेगा, उसके बाद ये सुनिश्चित होगा लाइसेंस के लिए। तीसरा ट्रेनिंग कहाँ से करें, साथियों ट्रेनिंग आप
हर जगह से कर सकते हैं, बशर्ते गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए और जहाँ पे भी फार्मासिस्ट पोस्टेड होगा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, सीएससी, पीएससी, एडिशनल पीएससी, सभी जगह से कर सकते हैं। लेकिन बी फार्मा के परिपेक्ष में मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि जहाँ पे इमरजेंसी आकस्मिक सेवाएँ चलती हैं, मतलब इमरजेंसी ट्रामा चलता है, वहीं से आप करें ताकि आपको विधिवत सीखने को मिले। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में 240 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें इमरजेंसी ड्यूटी भी संपादित होती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है 8 to 2 PM, आफ्टरनून शिफ्ट 2 to 8 PM भी होती है और नाइट शिफ्ट 8 to मॉर्निंग 8 PM जो AM तक होती है। और उसमें क्या होता है, सभी तरह के पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं, पॉइजनिंग केस आते हैं, और क्या होता है कि स्नेक बाइट भी आते हैं, और जो है क्या होता है सडन किसी तरह की जेरियोटिक ओल्ड एज या डायबिटिक पेशेंट आते हैं, तो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के उनको भर्ती करना है। अगर वो यहाँ लायक नहीं है तो उनको तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। तो उसमें जो है साथियों आपको क्या होगा कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी आपको जो है फर्स्ट एड सीखने को मिलेगा, वीगो कैसे लगाते हैं, आईवी सेट कैसे लगाते हैं, बोतल कैसे चढ़ाते हैं, सभी कुछ विधिवत जो है सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेडिसन, दवा का रखरखाव, दवा की डोज पेशेंट को बताने का आपको सीखने को मिलेगा। काउंटर पे आपको रखा जाएगा, दवा का वितरण जहाँ से होता है और पैथोलॉजी में कैसे सैंपल ब्लड कलेक्शन करते हैं वहाँ पे भी रखा जाएगा। साथ ही साथ वार्ड में आपकी ड्यूटी जरूर हम लगाते हैं ताकि वार्ड में भर्ती मरीज है उसको वीगो आईवी सेट लगा के कौन सी सलाइन चढ़ाई जा रही है, क्या बीमारी है, सभी कुछ विधिवत जो है आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से हम प्लास्टर रूम में भी रखते हैं, प्लास्टर कैसे चढ़ता है एकदम जो है साथियों विधिवत उसको सिखाते हैं ताकि उसको बेसिक प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए नॉलेज हो जाए और वो जाके वो क्लिनिक खोल सके। तो साथियों हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपको कहाँ से करनी है ये आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मान्य होती है, सरकारी अस्पताल में ही करनी होगी। बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है कि क्या प्राइवेट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट में अभी तक का किसी तरह का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं होती है। इसीलिए आप नज़दीकी अपने जो है सरकारी अस्पताल में संपर्क करें और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से ही मिलें, दूसरे संवर्ग के आदमी से अगर मिलेंगे तो आपको वो मिसगाइड कर देगा और आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। साथियों इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की क्वेरी होती है, आप क्वेश्चन करेंगे, आप पूछेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। साथियों वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।